हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉच टॉप 10 में, जहां आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस साल रिलीज हुई टॉप 10 ऐसी मूवीज के बारे में जिन्होंने इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। और आज की इस लिस्ट में आपको कुछ ऐसी मूवीज के नाम भी देखने मिलेंगे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में सुनकर आप पूरी तरह शॉक्ड रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अगर आप इन मूवीज को डाउनलोड करके देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे आप इन सभी मूवीज को एक बहुत ही मामूली से अमाउंट पे करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू, चलिए हमारा आज का एक्साइटिंग काउंटडाउन शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर है वॉर्नर ब्रदर्स की इसी साल रिलीज हुई एक्शन फैंटेसी एडवेंचर मूवी ड्यून। काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बावजूद, डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू के काफी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसने के बावजूद भी ये मूवी इस साल की वन ऑफ दी 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज की लिस्ट में शामिल हो चुकी है, जिसने अब तक वर्ल्ड वाइड 390 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इतना ही नहीं, ये मूवी इस साल रिलीज हुई आईएमडीबी पर वन ऑफ दी हाईएस्ट रेटेड मूवी भी है, जिसे करंटली 8.2 आउट ऑफ 10 की आईएमडीबी रेटिंग मिल रही है। इस मूवी में हम स्टोरी देखते हैं पॉल नाम के यंग फाइटर की, जिसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं एंड अपनी इन्हीं पावर्स का यूज करके उसे अपने दुश्मन प्लेनेट पर मौजूद एक स्पेशल रिसोर्स पर अपना कब्जा जमाना होगा, क्योंकि उसी रिसोर्स पर उसके प्लेनेट की सर्वाइवल की डोर बंदी है। अब कैसे पॉल अपने इस मिशन में कामयाब होता है और कैसे भारी ताकतें उसे ऐसा करने से रोकती हैं, यही सारी डिटेल आपको इस मूवी में देखने मिलेंगी। नंबर 9, एटर्नल्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडर इस साल रिलीज हुई तीन मूवीज में से एक मूवी एटर्नल्स भी थी, जो भी इस साल रिलीज हुई टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज की लिस्ट में शामिल है। इस मूवी को कुछ ज्यादा खास रिव्यूज तो नहीं मिले, ना ही मूवी को आईएमडीबी पर कुछ खास ज्यादा अच्छी रेटिंग मिली है, बट स्टिल इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 395 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इस मूवी में हम मार्वल कॉमिक्स की एक और पॉपुलर सुपर हीरो टीम एटर्नल्स की स्टोरी देखते हैं, जो कि थेनोस जैसे विलन से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव विलन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, जिन्हें मूवीज और कॉमिक्स में डेविएंट्स कहकर बुलाया गया है। इस मूवी को करंटली आईएमडीबी पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसका एचडी प्रिंट 12th ऑफ जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 8, शैंगची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही एक और मूवी शैंगची भी इस साल रिलीज हुई वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, जिसने अब तक वर्ल्ड वाइड 431 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस इतना कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि एटर्नल्स मूवी के साथ साथ इस मूवी को भी चाइना में रिलीज होने से बैन कर दिया गया था। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि चाइना ही किसी भी मूवी के फॉरेन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। इस मूवी में हमें मार्वल कॉमिक्स के एक मार्शल आर्ट सुपर हीरो शैंगची की ओरिजिन स्टोरी देखने मिलती है, साथ ही उसका एक कमाल का फैंटेसी एडवेंचर भी मूवी में शामिल है, जिसे देखकर आपको ये मूवी मार्वल की बाकी सभी टिपिकल मूवीज से काफी ज्यादा अलग लगती है। बाकी मूवी में कमाल का म्यूजिक और जो ड्रॉपिंग फाइट सीन्स शामिल हैं, जिन्हें तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस मूवी को करंटली आईएमडीबी पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये अब हिंदी एचडी प्रिंट के साथ भी अवेलेबल है। नंबर 7, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। अपने गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोनों मॉन्स्टर्स की अपनी स्टैंड अलोन मूवीज को देखा ही होगा, एंड इस बार वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज ने इन दोनों जायंट्स मॉन्स्टर्स को एक सिंगल मूवी में फीचर किया है, जिसका रिस्पॉन्स में इस मूवी ने भी काफी लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज होने के बावजूद वर्ल्ड वाइड 467 मिलियन डॉलर्स का मॉन्स्टर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। एंड अगर आपने ये मूवी थिएटर्स में देखी है तो आप लोगों को भी इसके इतने बड़े कलेक्शन का रीजन पता होगा। इस मूवी को करंटली आईएमडीबी पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का मैसिव बैटल देखते हैं, जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाकी इस मूवी का क्लाइमेक्स ट्विस्ट काफी कमाल का है, बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज भी बहुत बेहतरीन किया गया है, बट मोस्टली आपको इस मूवी में इसकी इपिक बैटल से याद रहने वाली है। नंबर 6, वेनम लेट देयर बी कार्नेज। मार्वल्स और सोनी स्टूडियोज की पार्टनरशिप में बनाई गई स्पाइडरमैन यूनिवर्स की इस मूवी ने भी इस साल अराउंड 493 मिलियन डॉलर्स का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके अपना नाम इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज की लिस्ट में शामिल कर लिया है। करंटली इस मूवी का आईएमडीबी पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल रखी है, साथ ही ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इस मूवी को काफी सारे मिक्स्ड रिव्यूज भी दिए हैं। बाकी मूवी की स्टोरी काफी सिंपल सी है, जहां वेनम और एडी ब्रॉक को साथ मिलकर अब एक न्यू विलन कार्नेज को हराना होगा, जिसके फाइट सीन्स और जितने भी एक्शन सीन्स इस मूवी में डाले गए हैं कुछ ज्यादा खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन ही एक ऐसा है जो आपका पैसा वसूल करा सकता है। इस मूवी का भी एचडी प्रिंट अब अवेलेबल है, नहीं देखा तो आप हमारा वीआईपी चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। नंबर 5, डिटेक्टिव चाइनाटाउन 3। दोस्तों, एक चाइनीज एक्शन कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामा मूवी है, जिसने कोरोना के बावजूद भी वर्ल्ड वाइड 707 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, वो भी उस समय में जब पूरी दुनिया में कोरोना केसेस बहुत ही ज्यादा थे। इतना ही नहीं, इस मूवी ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन करके फॉरेन में अवेंजर्स
एंड गेम मूवी के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया था। साथ ही आज के टाइम में डिटेक्टिव चाइनाटाउन 3 टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग मूवीज की लिस्ट में भी शामिल है। इस मूवी को करेंटली IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड फिलहाल के लिए इस सीरीज के तीनों ही पार्ट सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। मूवी में हम एक चाचा भतीजे की स्टोरी देखते हैं जो एज अ जासूस काम करते हैं एंड उन्हें इस बार भी एक काफी कॉम्प्लेक्स गुत्थी को सुलझाने का टास्क मिला है, लेकिन उनका ये मिशन जितना खतरों से भरा होने वाला है उतना ही ज्यादा फनी भी होगा। इसलिए आपको इस मूवी के साथ साथ इस सीरीज के बाकी दो पार्ट्स को देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। नंबर 4, F9। फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फ्रेंचाइजी की 9th मूवी भले ही कितनी भी लॉजिकल हो या फिर इसमें कितने ही नॉनसेंस एक्शन सीक्वेंसेस शामिल हो, बट स्टिल ये मूवी इस साल की 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है एंड दैट इज द पावर ऑफ अ फैमिली। इस मूवी ने आज की डेट तक वर्ल्ड वाइड $726 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जिसे करंटली IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है एंड डेफिनेटली ये मूवी इस फिल्म फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे वर्स्ट प्लॉट वाली मूवी है। इस मूवी में हम डॉम टोरेटो की फैमिली का एक और ट्विस्ट एंगल देखते हैं, जहां इस बार उसे अपने ही सगे भाई का सामना करना होगा एंड इस सब में हर बार की तरह उसकी वफादार फैमिली जैसी टीम उसका साथ देगी। बाकी मूवी की स्टोरी काफी लॉजिकल है, इसमें काफी सारे अनइमेजिनेबल एक्शन सीन्स डाले गए हैं, बट ओवरऑल मूवी को कमर्शियली एक स्ट्रीम लेवल पर प्रोड्यूस किया गया है। इसका भी IGP अब हिंदी में अवेलेबल है, जिसे भी आप एक ट्राई दे ही सकते हैं। नंबर 3, नो टाइम टू डाई। जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की आई थिंक ये 25th फिल्म है जो कि लीड रोल प्ले कर रहे एक्टर डेनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड लास्ट मूवी भी है एंड इसने इस साल पोस्ट कोविड में रिलीज होकर जाइंट $771 मिलियन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसकी वजह से ये मूवी इस साल रिलीज हुई द हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉलीवुड मूवी बन चुकी है। इस मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसमें आपको कमाल के सॉन्ग, जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, खास करके वो बाइक उड़ाने वाला सीन एंड कुछ रैंडम गन फाइट्स भी देखने मिलती है। इस मूवी में हम एक बार फिर से जेम्स बॉन्ड की एक एडवेंचरस जर्नी देखने मिलती है, जहां जेम्स बॉन्ड को एक बार फिर से एक खतरनाक दुश्मन का सामना करना होगा जो थानोस की तरह ही इस दुनिया से लगभग 50% आबादी खत्म करना चाहता है। लेकिन क्या जेम्स बॉन्ड ऐसा होने देता है और इस सब में वो अपना क्या कुछ दांव पर लगाता है, ये सारी डिटेल्स आप इस मूवी में देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। नंबर 2, हाई मॉम। दोस्तों, हाई मॉम अगेन एक चाइनीज फैमिली ड्रामा मूवी है जिसे सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही रिलीज किया गया है एंड आप सुनकर लिटरली दंग रह जाएंगे कि इस मूवी ने सिर्फ चाइना में रिलीज होकर ही $841 मिलियन का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो कि नो टाइम टू डाई जैसी एक मेगा बजट मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी बहुत ज्यादा है। इस मूवी को करंटली IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी ने इतनी कामयाबी करके एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है जिसे किसी सिंगल फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया हो एंड इससे पहले ये रिकॉर्ड पैटी जेंकिंस के नाम था वंडर वुमन मूवी के लिए। इस मूवी में हम एक लड़की की स्टोरी देखते हैं जो अपनी निराश मदर की लाइफ को आसान बनाने के लिए टाइम में पीछे जाती है और अपनी मदर की एक दोस्त बनकर उसकी जिंदगी खुशहाल बनाती है। मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, काफी इमोशनल भी है, बट अनलकी ये मूवी भी सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। एंड फाइनली नंबर 1, द बैटल एट लेक चिंगजिन, अनदर चाइनीज मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर शायद आपको भी मेरी तरह अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। इस मूवी ने भी हाई मॉम मूवी की तरह सिर्फ और सिर्फ चाइना में रिलीज होने के बावजूद वुपिंग $906 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जिसके आसपास भी किसी मेगा बजट हॉलीवुड मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी नहीं भटकता। इस मूवी ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करके ये हिस्ट्री की द हाईएस्ट ग्रोसिंग फॉरेन मूवी बन चुकी है, जिसने सिर्फ अपनी ही कंट्री में रिलीज होने के बावजूद इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हो एंड स्टिल ये मूवी थिएटर्स में प्ले हो रही है, तो हो सकता है कि ये मूवी चाइना में ही $1 बिलियन का बैरियर भी क्रॉस कर जाए। इस मूवी का IMDb पर सिर्फ 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि Z5 प्लेटफॉर्म पर चाइनीज ऑडियो विद इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है, जिसमें हम एक रियल आर्मी बैटल देखते हैं। इस बैटल के बारे में एक बात बहुत पॉपुलर है कि जहां ये जंग लड़ी गई थी वहां का वेदर काफी ब्रूटल था एंड स्टिल वो जंग पूरे एक महीने तक चली थी, तो अगर आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहें तो इस मूवी को एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये लिस्ट पसंद आई हो। वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को और लिस्ट की कुछ मूवी ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस लिस्ट को शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और लिस्ट में से आपकी कुछ पर्सनल फेवरेट मूवी अगर मिसिंग हो तो उन्हें भी कॉमेंट बॉक्स में मैंशन जरूर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर लिया हो तो साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग न्यूज और मूवीज के साथ। टिल देन टेक केयर, ओवर एंड आउट।